सुमन की सौतेली बहन काजल एक लालची लड़की थी, साथ ही वह एक नंबर की धोखेबाज भी थी। वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दूसरी तरफ सुमन एक सीधी सादी लड़की थी। वह सारा दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती और अपने साथ साथ काजल का भी खर्चा उठाती। फिर एक दिन, काजल आज मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह तू काम पे चली जा, वरना अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी ली तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे तू पागल हो गई है, क्या तू चाहती है कि मैं खेती में जाकर मजदूरी करूँ? तूने अपनी तरह मुझे मजदूर समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आज तो मैं नदी के किनारे आराम से बैठकर मछली पकड़ूंगी। उसके बाद काजल नदी के किनारे मछली पकड़ने चली जाती है, लेकिन तभी नदी के किनारे लेटे हुए सांप पर काजल का पैर पड़ जाता है, जिससे गुस्सा होकर सांप काजल को काट लेता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। अरे अब मैं क्या करूँ, मुझे सांप ने काट लिया। देखते ही देखते काजल का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। तभी वहाँ से गुजर रही रीता नाम की परी की नज़र काजल पर पड़ती है। रीता एक बहुत ही दयालु और नेक परी थी, वे हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रीता फौरन काजल को उठाकर अपने घर ले जाती है। फिर रीता काजल को जादुई दवाई पिला देती है। काजल जोर जोर से उल्टियाँ करने लगती है और उसके शरीर से सारा जहर बाहर निकल जाता है। अब तुम खतरे से पूरी तरह बाहर हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अपने सामने एक परी को देख काजल उसका फायदा उठाने का फैसला करती है। फिर वह रीता परी को झूठ मूठ की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है, मेरे घर पर मेरी बीमार माँ है, उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? काजल की दुख भरी बातें सुनकर रीता परी का दिल पिघल जाता है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद रीता परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर काजल के सिर के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने सिर से तोड़कर एक बाल जमीन पर फेंक देना और उस चीज का नाम ले लेना, फौरन वह चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। क्या क्या मैं इन सुनहरे बालों की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन सुनहरे बालों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसीलिए कभी लालच मत करना। तुम चिंता मत करो, मैं एक सच्ची और ईमानदार लड़की हूँ, मैं हमेशा इन बालों का इस्तेमाल अपने साथ साथ दूसरों की मदद के लिए करूँगी। इसी तरह परी को बेवकूफ बनाकर काजल अपने गाँव लौट जाती है। अब मैं इस गाँव की रानी बनकर यहाँ राज करूँगी। उसके बाद काजल सभी गांव वालों को अपने पास बुला लेती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज से तुम सब की रानी मैं हूँ और सब मेरे नौकर हो, इसीलिए आज से तुम सब मेरी सेवा करोगे। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। अरे काजल, तूने शराब पी ली है क्या, जो तू इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है? और ये क्या, तेरे बालों का रंग सुनहरा कैसे हो गया? तूने कोई कलर लगाया है क्या? देख, इस तरह की हरकतें बंद कर और चुपचाप घर चली जा। हाँ हाँ, लगता है इसका दिमाग फिर गया है, बढ़िया ही रानी बनने वाली। काजल की बच्ची, चल निकल यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। अच्छा तो ये बात है, लगता है तुम सबको नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर काजल अपने सिर के बाल तोड़कर जमीन पर फेंक देती है। जादुई सुनहरे बालों से मुझे इसी वक्त यहाँ पर 5 खतरनाक चुड़ैल चाहिए। फिर अगले ही पल वहाँ 5 डरावनी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। उन चुड़ैलों का रूप बहुत विशाल था, उन्हें देख सभी गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो यह चुड़ैलें उसे मारकर खा जाएंगी। चुड़ैलों के डर से सभी गांव वाले काजल को अपनी रानी मान लेते हैं। दूसरी तरफ काजल जादुई सुनहरे बालों की शक्ति से गांव के बीचों बीच एक आलीशान मकान प्रकट कर वहां रहने लग जाती है। उधर बेचारे गांव वाले काजल की सेवा करने में जुट जाते हैं। जब भी किसी से कोई गलती होती तो काजल अपनी सैंडल से उसकी खूब पिटाई करती थी। इस तरह काजल के जुल्मों से सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसे इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन सभी गाँव वाले इससे तंग आकर आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रीता परी घूमते हुए उस गांव में आ जाती है। उस समय काजल एक गरीब बुढ़िया की पिटाई कर रही थी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले सर झुकाकर चुपचाप खड़े थे।
यह नज़ारा देख रीता परी सारी कहानी समझ जाती है। इस धोखेबाज लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर रीता परी उसी वक्त अपनी जादुई छड़ी घुमाकर काजल के सिर पे सारे मौजूद सुनहरे बालों को गायब कर देती है। उसके साथ साथ काजल के द्वारा प्रकट की गई चुड़ैलें और दूसरी चीजें भी गायब हो जाती है। क्यों रे चालबाज लड़की, मुझे बेवकूफ बनाकर तू इन गांव वालों पर अत्याचार कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। इतना कहकर रीता परी काजल को एक चुहिया के रूप में बदल देती है। तू जिंदगी भर कूड़े और गंदी नाली से खाना खाकर अपना जीवन जिएगी, यही तेरी सजा है। इस तरह लालची काजल को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ सुमन और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल की गुफा में एक परी और नागिन रहती थी। वो दोनों बहुत अच्छी सहेली थी। उनके पास दो जादुई लहंगे थे जिन्हें पहनकर वो दोनों खूबसूरत लड़की बन जाया करती थी। दूसरी तरफ दोनों सहेलियां रोज साधारण लड़कियां बनकर कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। वो दोनों पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। फिर एक दिन, सुन, हमारे जादुई लहंगों की चार्जिंग खत्म होने वाली है, इसीलिए हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों लड़कियां नहीं बल्कि परी और नागिन हैं। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के पीछे खड़ी पिंकी और चिंकी नाम की दो बहनें सारी बात सुन लेती हैं। अच्छा, तो ये दोनों परी और नागिन हैं? ये अपनी जादुई लहंगे की शक्ति से लड़कियों का रूप धारण करके यहाँ पढ़ने आती हैं। अगर हम दोनों को इनके जादुई लहंगे मिल जाएं, तो फिर हम दोनों जादुई लहंगों की मदद से कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद दोनों परी और नागिन का पीछा करते हुए जंगल की गुफा में पहुंच जाती हैं। उधर नागिन और परी अपने जादुई लहंगों को चार्जिंग पर लगा देती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों लहंगे पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, सुनो जादुई लहंगो, मुझे ढेर सारे उबले हुए अंडे और एक बाल्टी गर्मा गर्म दूध दे दो। मुझे हलवा पूरी खाना है, जल्दी से मेरे सामने ढेर सारा हलवा पूरी प्रकट करो। फिर अगले ही पल दोनों जादुई लहंगे हलवा पूरी के साथ ढेर सारे अंडे और दूध प्रकट कर देते हैं। दोनों सहेलियां मजे से खाना खाने लगती हैं। फिर खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। देखो, दोनों गहरी नींद में सो रही हैं। चल जल्दी से इनके लहंगे चुरा कर यहाँ से भाग चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगों को चुरा कर वहाँ से भाग जाती हैं। अरे वाह, इतनी आसानी से हमें ये जादुई लहंगे मिल गए, अब इनकी शक्ति से हम जो चाहें वो कर सकती हैं। इस वक्त तो मुझे बहुत भूख लगी है, चल इन दोनों लहंगों से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मांग कर खाते हैं। सुनो तुम दोनों, हमारे लिए ढेर सारी बिरयानी प्रकट करो। दोनों जादुई लहंगे बिरयानी से भरे दो बड़े बर्तन वहाँ प्रकट कर देते हैं। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर बिरयानी खाने के बाद वो दोनों जादुई लहंगों से ढेर सारे नए कपड़े और गहने मांग लेती हैं। अब तो हमारे पास कपड़े और गहनों की कोई कमी नहीं है, बस एक कमी रह गई है। हम दोनों का ये सांवला रंग हमारी बदसूरती का कारण है। सुनो तुम दोनों, अपनी शक्ति से हमें परियों की तरह खूबसूरत बना दो। फिर दोनों लहंगे चिंकी और पिंकी को परियों की तरह गोरी और सुंदर बना देते हैं। अपने आप को सुंदर देख दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन वो दोनों जादुई लहंगों को पहनकर बाहर घूमने जाने का फैसला करती हैं। दोनों जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती हैं कि तभी अचानक वहाँ एक बदसूरत भिखारिन आ जाती है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, दया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे यहाँ भिखारिन कहाँ से आ गई? इसका चेहरा इतना बदसूरत और गंदा है, इसे देखकर तो मुझे घिन हो रही है। तभी वो भिखारिन उन दोनों के पैरों को पकड़ लेती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। ये देख दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, इसने अपने गंदे हाथों से हमारे सुंदर पैरों को मैला कर दिया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इसे सबक सिखाना ही चाहिए। सुनो जादुई लहंगो, तुम दोनों इसे हवा में उड़ाकर कीचड़ से भरे गड्ढे में फेंक दो और साथ ही इसकी दोनों टांगे भी तोड़ दो। देखो, हम दोनों सिर्फ अच्छे काम करते हैं, तुम दोनों हमसे इस मासूम पर अत्याचार करवाना चाहती हो। तुमने अपनी बुरी ख्वाहिश बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी।
हाँ हाँ, अब तुम दोनों नहीं बचोगी। उसके बाद वो दोनों जादुई लहंगे भिखारिन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। साथ ही साथ पिंकी और चिंकी के शरीर पर मौजूद सारे गहने उस भिखारिन को पहना देते हैं। अपने आप को खूबसूरत देख भिखारिन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ दोनों जादुई लहंगे पिंकी और चिंकी के बालों को काट कर उन दोनों के शरीर को कोयले की तरह काला कर देते हैं। अब तुम दोनों जिंदगी भर इसी तरह बदसूरत बनकर सड़कों पर भटकोगी। हाँ, तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम दोनों के सिर पर कभी बाल नहीं आएंगे और तुम्हारा रंग इसी तरह कोयले की तरह काला रहेगा। ये सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं और दोनों जादुई लहंगों से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन तभी वो दोनों जादुई लहंगे हवा में उड़ते हुए वापस परी और नागिन के पास चले जाते हैं। इस तरह दोनों लालची बेरहम बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ अपने जादुई लहंगों को पाकर परी और नागिन दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन से वो दोनों पहले की तरह कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। एक बार की बात है, परी देश में सोनाली नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले सोनाली की शादी तय हुई थी। सोनाली अपनी शादी की शॉपिंग में पूरी तरह व्यस्त थी। उसी दौरान सोनाली को पता चलता है कि पृथ्वी के बाजार में बहुत अच्छी साड़ी और चूड़ियाँ मिलती हैं। दीदी, मैंने फैसला किया है कि मैं पृथ्वी के बाजार से साड़ी और चूड़ियाँ खरीद लूँगी। वहाँ के बाजारों की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। देख, आजकल कुछ लुटेरी चुड़ैलों ने आतंक फैला रखा है, इसीलिए तो शाम से पहले ही वापस आ जाना। लेकिन दीदी, मेरे पास तो मेरी जादुई छड़ी है, फिर भला मुझे किसी चुड़ैल से डरने की क्या जरूरत है। मैं अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से किसी भी चुड़ैल को सबक सिखा सकती हूँ। अरे, मैंने सुना है कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। वो परियों को लूट कर उन्हें मार के खा जाती है। अभी कुछ दिनों पहले उन चुड़ैलों ने 4 परियों को जान से मारा है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तू शाम होने से पहले वापस आ जाना। फिर अपनी बहन से विदा लेकर सोनाली परी पृथ्वी पर शॉपिंग करने पहुंच जाती है। वो बहुत सारी दुकानों में जाकर ढेर सारी सुंदर साड़ी और चूड़ियां खरीद लेती है। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं। अरे, ये क्या, यहाँ तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। फिर सोनाली बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते रात हो जाती है। दूसरी ओर एक एक कर बाजार की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये देख सोनाली परी को बहुत घबराहट होने लगती है और उसके मन में बार बार चुड़ैलों का ख्याल आने लगता है। अब तो रात भी हो चुकी है, मैं इस समय परिदेश नहीं जा सकती। अगर रास्ते में मुझे वो चुड़ैल मिल गई तो मैं क्या करूँगी। मुझे कहीं जाकर रात बितानी होगी। उसके बाद सोनाली बाजार के पीछे वाले गांव में पहुँच जाती है। तभी उसे सुनैना नाम की एक लड़की मिलती है। देखो, मैं परिदेश से यहाँ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन अब काफी रात हो चुकी है। मैंने सुना है यहाँ की चुड़ैल परियों को मारकर खा जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन तुम फिकर मत करो, आज रात को मेरे घर पर रुक जाओ, सवेरे होते ही तुम परिदेश लौट जाना। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुनैना सोनाली परी को अपने घर ले जाती है और उसे बहुत अच्छा खाना भी खिलाती है। खाना खाने के बाद सोनाली गहरी नींद में सो जाती है। तभी अचानक आधी रात को खिड़की के रास्ते एक डरावनी चुड़ैल सुनैना के घर में दाखिल हो जाती है। अच्छा, तो ये परी यहाँ आराम कर रही है, अब मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन तभी सुनैना नींद से जाग जाती है। अरे, अचानक ये चुड़ैल कैसे आ गई? सुन लड़की, मैं इस परी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। देखो, ये मेरी मेहमान है, मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा, तो तू मेरे हाथों मरना चाहती है, ठहर जा,
मैं अभी तेरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जादू से अपने नाखूनों को लंबा कर लेती है, लेकिन तभी सुनैना दीवार पर लगा बटन दबा देती है, जिससे पूरे गांव में जोरदार सायरन बजना शुरू हो जाता है। सायरन की आवाज से सभी लोग सुनैना के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक अपने सामने इतने सारे लोगों को देख चुड़ैल घबरा जाती है। अरे, इस चालाक लड़की ने तो पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना? अब तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगी। फिर सुनैना और सभी गांव वाले एक साथ चुड़ैल के ऊपर हमला कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद सुनैना चुड़ैल के गले में एक रस्सी बांध देती है। फिर सारे लोग चुड़ैल को घसीट कर चौराहे पर ले जाते हैं और उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। चुड़ैल दर्द के मारे तड़पते हुए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो बच नहीं पाती और थोड़ी ही देर में उसका शरीर जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह सुनैना अपनी होशियारी से सोनाली परी की जान बचा लेती है। फिर सुबह होते ही सोनाली परी सुनैना और गांव वालों का शुक्रिया अदा कर वापस परी देश लौट जाती है। दूसरी तरफ सोनाली और सुनैना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। सोनाली परी सुनैना को अपनी शादी में बुलाती है और विदा के समय उसे सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दे देती है। इस तरह ढेर सारे सोने के सिक्के पाकर सुनैना अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ सोनाली परी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है।